नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वीडियो में एमएस पावर पॉइंट के बारे में। व्यापम की जितनी भी परीक्षा होती हैं, या सीपीसीटी, व्यापम, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पावर पॉइंट से ज़रूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, उसमें एमसीक्यू आधारित प्रश्न है जो आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिलवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक? तो प्रेजेंटेशन किस में बनाया जाता है? तो प्रेजेंटेशन हमारा जो बनाया जाता है वो हमेशा पावर पॉइंट में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या आउटलाइन व्यू? बताइए कौन सा नहीं होता। तो जी हाँ, आउटलाइन व्यू इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें जो 2007 के बाद के जितने भी वर्जन है उनका प्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, p.ppt-x। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो 2007 के पहले के वर्जन है उसका एक्सटेंशन .ppt होता था और इसमें एक्स एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल एन, ऑप्शन बी है कंट्रोल एस, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस एन और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एम। तो न्यू फाइल बनाने के लिए हमेशा कौन सी की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है। रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पावर PNT, ऑप्शन सी PWR पॉइंट या फिर ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है पावर PNT। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले से बनी स्लाइड में जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है कहलाती है, क्या कहलाती है? पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड बनी हुई होती हैं, पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्या टेम्पलेट्स, प्री फॉर्मेटिंग, विजार्ट या ऑटो स्टाइल? तो इसका सही आंसर है टेम्पलेट्स। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कौन सी है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन और कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एन जो होता है वो न्यू स्लाइड के लिए होता है और पहले से बनी हुई के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स, नोट बॉक्स, टेक्स्ट लेयर या कमेंट बॉक्स? इसका सही आंसर है टेक्स्ट बॉक्स का। एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है पावर पॉइंट में? स्लाइड शो, विंडो, फॉर्मेट या टूल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड शो में। एक्शन बटन का ऑप्शन स्लाइड शो में होता है। पावर पॉइंट में हैंड लेआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, लेआउट ऑफ हैंड आउट या फिर लेआउट ऑफ स्लाइड? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेआउट ऑफ हैंड आउट। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड नोट, ऑप्शन बी शॉर्ट नोट्स, ऑप्शन सी साउंड नोट्स या ऑप्शन डी नोट्स व्यू का? तो इसका सही आंसर है नोट्स व्यू का, स्पीकर नोट बनाने के लिए। किस ऑप्शन का यूज़ पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? बैकग्राउंड कलर, कलर स्कीम, ड्राइंग टूल्स या टेक्स्ट टूल? तो इसका सही आंसर है कलर स्कीम्स का यूज़ किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F3, Alt+F5,
कंट्रोल प्लस F5 या शिफ्ट प्लस F5। तो इसके सही आंसर है शिफ्ट प्लस F5। और MS पावर पॉइंट को शुरू करने के लिए F5 का यूज़ किया जाता है, लेकिन करंट स्लाइड से शुरू करना है हमें प्रेजेंटेशन, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाया जाता है। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, अभी बताया था मैंने आपको F5, इसका आंसर है F5। स्लाइड शो को कैसे रोका जाता है? अब शुरू कर दिया स्लाइड शो को, अगर हमें रोकना है तो उसे कैसे रोका जाता है? ऑप्शन ए है डिलीट बटन को दबाकर, ऑप्शन बी है राइट एरो को दबाकर, ऑप्शन सी है एस्केप बटन को दबाकर, या ऑप्शन डी है लेफ़्ट एरो को दबाकर। तो किसी भी चीज़ से बाहर निकलना है या कैंसिल करना है तो हम एस्केप की को दबाते हैं। पावर पॉइंट में निम्न में से किसका उपयोग स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में किया जाता है? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस का, सभी का यूज़ में किया जाता है। टास्क पेन उस डिज़ाइन को शो करता है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज़ हो रही है। स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिज़ाइन या फिर स्लाइड फॉर्मेट, किसका यूज़ होता है? तो इस सॉरी स्लाइड डिज़ाइन का। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज़ है? प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, एडिटिंग के दौरान स्लाइड सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या फिर डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? टेबल मेन्यू और इंसर्ट टेबल के द्वारा, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके, ए और बी दोनों, या टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्लैंक स्लाइड में कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके। हैंडआउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है? लेआउट ऑफ स्लाइड, स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड फॉर्मेटिंग या फिर लेआउट ऑफ हैंडआउट? तो इसका सही आंसर है लेआउट ऑफ हैंडआउट। किसी स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जाता है? किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जाता है? ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, सभी का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज़ होता है टेक्स्ट को राइट में करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज़ किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइन है, क्या है? कलर स्कीम, डिज़ाइन टेम्पलेट, एनिमेशन स्कीम या फिर नॉन ऑफ दिस? तो ये होता है एनिमेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, हैंडआउट का यूज़ करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी छः, ऑप्शन सी नो या ऑल ऑफ दिस? तो हैंडआउट का यूज़ करके सभी को यूज़ किया जा सकता है पेपर पे। MS पावर पॉइंट 2007 में एक ही प्रेजेंटेशन लगातार कैसे प्रदर्शित की जा सकती है? शो सेम प्रेजेंटेशन, रिपीट प्रेजेंटेशन, लूप कंटिन्यूसली अनटिल स्किप प्रेजेंटेशन के द्वारा या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है सी लूप कंटिन्यूसली अनटिल। विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज़ करेंगे? स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या फिर एनिमेशन स्कीम? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजेक्शन। विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड टाइमिंग, रिहर्सल या स्लाइड शो सेटअप? तो इसका जो सही आंसर है वो स्लाइड ट्रांजेक्शन है। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज़ करेंगे? टास्क पेन, थंबनेल या फिर टूल बार या आउटलाइन? तो इसका सही आंसर है आउटलाइन। यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे? नॉर्मल व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू
या स्लाइड शो व्यू। देखिए शॉर्ट करना है तो हम काय का यूज करेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू का। किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू या ऑप्शन डी स्लाइड शो मेन्यू। इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड शो मेन्यू। स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस के, ए और बी दोनों या ए और बी दोनों नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों, चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस के, दोनों ही इसके सही आंसर हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी फाइल या ऑप्शन डी एडिट। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू जो होता है वो व्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है। अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट्स से क्या होता है? स्लाइड का कंटेंट चेंज हो जाता है, स्लाइड की फंक्शनलिटी चेंज को जोड़ता है, स्लाइड के कंटेंट में बिना परिवर्तन स्लाइड का लुक चेंज करता है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है स्लाइड के कंटेंट में बिना परिवर्तन स्लाइड का लुक चेंज करता है। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है? सेलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड, करंट स्लाइड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सभी में, स्लाइड, सेलेक्ट स्लाइड, ऑल स्लाइड, करंट स्लाइड, सभी में डाला जा सकता है। पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या होता है? स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ, वह पाथ जहाँ फाइल सेव रहती है, वह पाथ जहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट में मोशन पथ स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ होता है। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। पावर पॉइंट में 4 प्रकार के लेआउट होते हैं। पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो होता है वो होता है लैंडस्केप। पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेट होता है। स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कौन सा फीचर का इस्तेमाल करेंगे? एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो इसका सही आंसर है स्लाइड ट्रांजेक्शन। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? व्यू, जेपीजी, वेब, ऑप्शन ए वेब, ऑप्शन बी जेपीजी, ऑप्शन सी एमपीजी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। सभी प्रकार के फॉर्मेट को पावर पॉइंट व्यू में जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट शो में जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है नोट्स। स्लाइड लेआउट में कौन सा सिलेक्शन मौजूद नहीं है? टाइटल, लिस्ट, चार्ट या एनिमेशन। तो इसका सही आंसर है एनिमेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट में कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे? एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, स्लाइड डिज़ाइन या स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनिमेशन स्कीम। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में यह पूछा ही जाता है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है पावर पॉइंट से। तो स्लाइड मास्टर, स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड डिज़ाइन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो स्लाइड मास्टर। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए स्लाइड मास्टर का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है? एडिट चार्ट, इंसर्ट पिक्चर चार्ट, इंसर्ट चार्ट या व्यू चार्ट। तो इसका सही आंसर है इंसर्ट में जाकर चार्ट पे क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? टूल्स में फॉन्ट, टूल्स में रिप्लेस फॉन्ट, एडिट फॉन्ट या फॉर्मेट
रिप्लेस फॉन्ट, तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट मेन्यू में जाके रिप्लेस फॉन्ट। इनमें से किस व्यू में हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थर्ड स्लाइड शॉर्टर व्यू। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, सेटअप टाइम का, रिहर्स टाइमिंग का, टाइमिंग का, या ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर है रिहर्स टाइमिंग का। विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पे और भी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो प्राप्त होंगे और उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।